चैलेंज ही आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो सोशल चल रही है आज हम उससे आपको अवेयर करेंगे। सबसे पहले हम अपने सैनिटाइजर यूज करेंगे जो कि बहुत ही जरूरी है। आप सबको भी ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, तो इसको मस्ट यूज़ करें, जितना हो सकता है उतना यूज़ करें। मैं लास्ट वीक से लेके अब तक 7 days में ऑलमोस्ट 4 bottles यूज़ कर चुका हूँ। 120 ml की बोतल है ये, एंड यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ क्लोज है, A to Z everything यहाँ पे सारे ये वेयरहाउस हैं जो क्लोज हैं। मॉर्निंग में बहुत कम टाइम पे ये ओपन हो रहे हैं थोड़े से आवर्स के लिए, एंड गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट लॉकडाउन किया हुआ यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, स्पेशली अभी जिस रोड पे मैं लगूँगा उस रोड पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, और यहाँ पे अभी मैं इस रोड पे लगने लगा हूँ। इस रोड पे लगने के लिए मुझे यहाँ पे कम से कम 2 से 3 मिनट वेट करना पड़ रहा था कि मुझे स्पेस मिले और उसमें मैं घुसूँ और ताकि वहाँ मेरे को। ये लंदन का काफ़ी बिजी रोड है और इसको A20 बोलते हैं। ये हम देख जाएंगे A46 पे, A46 जो लंदन का रिंग से हट के भी तो काफ़ी ट्रैफिक जो है वो मिलती है। तो ये A30 पर जा रहे हैं, इससे हम जल्दी पड़ कर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कम ट्रैफिक है। अदरवाइज जिस रोड पे मैं इस टाइम जा रहा हूँ, इस टाइम पे यहाँ पे हमें ट्रैफिक लाइट पे आने के लिए मुझे उस स्टोर से यहाँ तक आने के लिए मिनिमम जो चाहिए होते हैं 20 मिनट चाहिए होते हैं, और अभी आई थिंक हम 3 to 4 या मैक्स 5 मिनट में पहुँच गए हैं यहाँ पे। ये लंदन के जो सबसे बिजी रोड है उनमें से ये काउंट होते हैं। अब यहाँ पे लोग सफ़र करने से पहले 10 बार सोचते हैं उधर जाएंगे ना जाएंगे, ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है, क्योंकि आज हम कोरोना वायरस है जिसकी वजह से ट्रैफिक है। मेरे को सबसे बड़ा मसला भी ट्रैफिक का ही है।
हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो कुछ ऐसा करता है उसको उसके बाद याद जल्दी ही दिला देते हैं, क्योंकि जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। स्पीड लिमिट में चल सकते हैं, स्पीड लिमिट से आप ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पे खड़े होने के लिए कम से कम खड़ा होना पड़ता था मुझे 15 मिनट 10 मिनट सिर्फ ये ज्वाइन करने के लिए। ये देखें मज़े की चीज़, देखें ये नहीं कि पाकिस्तान में भिखारी, इंडिया में भिखारी, हमारी कंट्री यहाँ पे भिखारी होते हैं। ये देखें ये घूम रहा उल्लू, और मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ये यहीं पर खड़ा होता है। ये ड्रग के ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, अदरवाइज ऐसी कोई भूख नहीं है यहाँ पर। गवर्नमेंट पैसा देती है सबको, जिसके पास जॉब नहीं होती उसको गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको पैसे देती है। जब तक उसको जॉब नहीं देती, इधर घर भी देती है, खाने को भी देती है, सब कुछ देती है। लेकिन जो ड्रग्स लेते हैं उनका अपना ही सीन है। बस आ रही है, उसके पीछे भी एक आ रही है, और ये देख रहे हैं आप ऊपर भी खाली, ऊपर एक बंदा बैठा है और नीचे भी एक आधा ही आई थिंक बैठा, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। सो ऑलमोस्ट एम्प्टी जा रही बसें यहाँ पे, और ट्रेन जो है वो मोस्टली क्लोज हैं, बहुत कम ट्रेनें चला रहे हैं। जो चला रहे हैं वो भी लोग बहुत याद से उसमें सफर कर रहे हैं। ये नहीं कि दो चार साइड से आया हूँ, इसकी थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ जाता मेरे लिए। इसको बोलते हैं चोरी वाला रास्ता, चोरी चिपके वाला, इस तरह बहुत कम लोग होते हैं। अरे मैंने आपको कोशिश की कि थोड़ा सा पार्ट मैं दिखाऊँ आपको लंदन का, यहाँ पे जो हालात हैं कोरोना की वजह से। मैं भी आज 2 दिन के बाद ही घर से निकला था, काम के लिए जाना था। अदरवाइज सारे लोग घर बैठे हैं। राइट साइड पे बसों का अड्डा है, लोकल चलती है, सारी शॉप्स क्लोज हैं, सारी शॉप ओपन होती हैं। और ये राउंड अबाउट जो भी हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। ये भी गली ऑलमोस्ट जो है वो रश के इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, जो समझाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा गाइड हो जाए कि यहाँ पे कितने हालात चेंज हो गए हैं कोरोना की वजह से, या लोग जो हैं किस तरह से रह रहे हैं। चले आपसे मुलाकात होगी फिर। दोबारा गपशप होगी।